आया है। तो मैंने कैसे बनाया इसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि ये काम कैसे करेगा दोस्तों। तो जैसे गांव देहात एरिया में आप देखते होंगे बंदर बंदर और तेज़ हवा चलने की वजह से हमारा डिश एंटीना हिल जाता है, तो हमें सिग्नल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों। तो हम इस सेटेलाइट से सिग्नल निकाल लेते हैं दोस्तों, लेकिन इस सेटेलाइट में ये प्रॉब्लम है कि अगर लाइट बिजली कनेक्शन नहीं रहेगी तो हम सिग्नल नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। लेकिन इस फाइंडर में अगर बिजली कनेक्शन नहीं है, आपके यहाँ के एरिया की लाइट चली गई है, फिर भी आप डिश एंटीना इस सेटेलाइट फाइंडर की मदद से सेट कर पाएंगे। तो और दूसरी बात इसमें यह है कि इस सेटेलाइट फाइंडर में हमें यह समझ में नहीं आता है कि कितना परसेंट सिग्नल नीचे मतलब सेट बॉक्स में आया है, एंटीने पे कितना परसेंट सिग्नल आया है दोस्तों। इस सेटेलाइट की मदद से परसेंटेज समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कितना परसेंट सिग्नल आया है। तो जैसे कि मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे ऑन होता है। देखिए आप कहीं भी इसमें मेन स्टार कनेक्ट नहीं है दोस्तों, तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये ऑन हो गया है, ये ऑन हो चुका है दोस्तों। और इस प्रकार मैं इसमें देखिए सिग्नल की जो बटन रिमोट में होती है वो रिमोट की बटन दबा रहा हूँ सिग्नल की, यहाँ पे देखिए 0-0 सिग्नल दोस्तों दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके यहाँ पे अगर लाइट कनेक्शन कट गया है तो आप इस सेटेलाइट फाइंडर की मदद से आप यह सिग्नल एंटीना पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इस पे एक ये वायर इस प्रकार का एक वायर रहेगा जो एक साइड आप LMB में लगा लेंगे और एक साइड का वायर आप इसे इस सेटअप बॉक्स में लगाएंगे, तो यहाँ पे सिग्नल आपको दिखाने लगेगा वो। तो एंटीना छत के ऊपर है दोस्तों, और छत के ऊपर से LMB से लग के वायर देखिए यहाँ पे आया हुआ है जो एंटीने में सिग्नल सेट है दोस्तों। तो मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ कि सिग्नल आ रहा है या नहीं। पे सिग्नल की बटन दबा लेता हूँ और यहाँ पे इस एंटीना को लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 70-80% तक सिग्नल आ चुका है। ये देखिए मैं इसे निकाल दे रहा हूँ, सिग्नल चला जा रहा है दोस्तों। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं वीडियो में लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए वीडियो पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है, अपने बैनर पे देख के तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि ये मेरे काम की वीडियो नहीं थी। इसलिए मैं इस वीडियो का काम पहले ही बता देता हूँ कि क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। इस सेटअप बॉक्स को इस बैटरी के थ्रू कैसे चलाएंगे और क्यों चलाएंगे ये मायने रखता है यार, बैटरी से क्यों चलाएं इसे, ये लाइट से तो चल रहा है लेकिन इसे बैटरी से क्यों चलाएं, ठीक है दोस्तों। लेकिन बैटरी से दोस्तों इसलिए इसे चलाना है कि ये उनके ही लिए काम आएगी वीडियो, जो DTH सेटिंग करते हैं दोस्तों, जो डिश सेटिंग करते हैं गाँव देहात में, बंदर वगैरह या हवा चलने की वजह से डिश एंटीना हिल जाता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें एक फाइंडर लेना पड़ता है, सेटेलाइट फाइंडर, जिसकी मदद से हम उस एंटीना को सेट करते हैं दोस्तों। तो कुछ बहुत सारे प्रकार के सेटेलाइट फाइंडर हैं, मैं आपको एक कुछ दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक सेटेलाइट फाइंडर है। तो दोस्तों आज तक तो मैं इसी सेटेलाइट फाइंडर से डिश सेटिंग करता था, मगर मुझे एक दिक्कत आती गई हमेशा कि दोस्तों समझ में तो आ जाता है कि इसमें सिग्नल आ गया है, हमें इस सेटेलाइट फाइंडर में सिग्नल आ गया है, लेकिन दोस्तों कितना परसेंट सिग्नल आया है वो कंफर्म नहीं हो पाता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें एक डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है दोस्तों वो डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर, तो इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं खरीदना, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इसलिए हम थोड़ा सा उसे हटते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस सेटअप बॉक्स की मदद से आप इसे सेटेलाइट फाइंडर बनाएंगे, इस बैटरी की मदद से इस DTH सेटअप बॉक्स को सेटेलाइट फाइंडर बनाएंगे। मतलब इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब कितना परसेंट सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देगा। तो आइए बताता हूँ कि कैसे इसे इस बैटरी से चलाएंगे इस DTH को। तो दोस्तों इसके लिए हमें तीन तार ले लेना है, तीन कलर के तार लेने हैं दोस्तों। मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि ये देखिए ये हमारा पावर सप्लाई है, एक मिनट रुकिए दोस्तों मैं आपको एक पावर सप्लाई लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो आप इसके पहले वोल्टेज चेक देख लीजिए कैसे हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, दूसरा है ग्राउंड, तीसरा है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तार की मदद से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ
कि यहाँ पे कैसे शुरू होता है। आप मैकेनिक है तो पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर भी कुछ नए लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ पे 3.3 वोल्ट है। दोस्तों तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो 3.3 वोल्ट है, मीटर भी दिखना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं मिल रहे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3.3 वोल्ट, मतलब जो पावर सप्लाई में 3.3 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है, इस पहले पिन पे आ रहा है, मतलब इस तरह से ये चल रहा है। तो ये 3.3 वोल्ट है और यहाँ पे जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये दूसरा नंबर ग्राउंड है दोस्तों। देखिए ये दूसरा नंबर ग्राउंड है और ये तीसरा नंबर देखिए 12 वोल्ट है और ये देखिए 24 वोल्ट है और ये देखिए दोस्तों एक ग्राउंड है, पांचवा नंबर, ये छठवा नंबर 5 वोल्ट है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें 5 वोल्ट है दोस्तों, जो ये छठवा नंबर की पिन है 5 वोल्ट, जो इस सेक्शन के लिए आती है, जो आरएफ सेक्शन होता है दोस्तों, जो आरएफ सेक्शन के लिए, तो ये सेक्शन अब काम की नहीं रहती है इसमें, तो इसे हमें छोड़ देना है। हमें सिर्फ लेना है तीन वायर लेना है, जो हमें एक ग्राउंड करना है और एक 3.3 वोल्ट करना है दोस्तों, और एक ये जो 20 वोल्ट, 24 वोल्ट या 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा है पावर सप्लाई पे। तो इन दोनों को यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इसे शॉर्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4, देखिए दोस्तों 3 और 4 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन 12 वोल्ट है और 4 नंबर की पिन 24 वोल्ट है। तो हम मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 2 3, देखिए 3 और 4 को दोस्तों शॉर्ट कर दिया है, एक में शॉर्ट कर दिया है। तो दोस्तों हमें इसी प्रकार इसे शॉर्ट कर देना है। तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें 3 तार लेने हैं, आप वायर भी समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं अलग अलग कलर के 3 वायर ले लेता हूँ। एक वायर मैंने ग्रीन कलर ले लिया है, दूसरा वायर मैंने ब्लू कलर ले लिया है, तीसरा वायर दोस्तों मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं कैसे कनेक्शन करना है आपको बता देता हूँ। और इस प्रकार की बैटरी लेनी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस बैटरी की वैल्यू, ये देखिए 3.6 वोल्ट, ये जो 3.6 की वोल्ट की बैटरी है दोस्तों, तो ये बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, बिग है, तो मैं इसे इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे ज़्यादातर चार्ज नहीं करना पड़ेगा, कम चार्ज करना पड़ेगा, मतलब कम समय में, कम मतलब जैसे कि मैं ज़्यादा एक दिन में कई सारे डिश सेट कर सकूँ, मेरे पास बैटरी बड़ी रहेगी तो इसकी मदद से मैं, बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी तो ज़्यादा डिश सेट कर पाऊँगा। दोस्तों आप इस बैटरी को भी लगा सकते हैं, जो ये साइज़ की बैटरियाँ आती हैं छोटी वाली, जैसे फ़र्क देख लीजिए, जो छोटी वाली ये बैटरी आती हैं, तो आप इन बैटरी को भी लगा सकते हैं, ये भी 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। तो लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, इसे जो ये देखिए ये प्लस है बैटरी का और ये माइनस है, फिर यहाँ पे दूसरी बैटरी का प्लस है और यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे तीसरी बैटरी का प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये बैटरी सीरीज में आपको लगा देनी है दोस्तों। यहाँ पे एक प्लस बचेगा और यहाँ पे एक लास्ट माइनस बचेगा दोस्तों, मतलब ये बैटरी आपको सीरीज में लगा देनी है। आप मैकेनिक होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझेंगे तो आप सीरीज कैसे करते हैं ये समझ लीजिए कि सीरीज में कैसे करते हैं, सीरीज में कैसे किसी चीज़ को जोड़ते हैं। तो इन बैटरी को सीरीज में जोड़ लेना है। तो आइए मैंने देखिए इसको सीरीज में जोड़ लिया है, जैसा कि देखिए यहाँ पे एक प्लस बचा है, उसके बाद ये बैटरी यहाँ से इस प्लस पे आई है, तो इस प्लस से फिर इस माइनस से इस प्लस पे आई है, फिर यहाँ पे माइनस बचा है, मतलब एक साइड में माइनस बचेगा और इस
इस बैटरी पे प्लस बचेगा, मतलब इस बैटरी पे प्लस बचेगा और इस बैटरी पे माइनस, तो हमारा कनेक्शन ये सही है बैटरी का। तो मैंने बैटरी का कनेक्शन दोस्तों कर लिया है। तो आइए अभी इसे इस डीटीएच में सेट करके देखते हैं कि कैसे इसे सेट करना है। तो देखिए मैंने तीन कलर ले लिए हैं, तो तीन कलर इसलिए लिए हैं कि दोस्तों हमें इसे तीन टाइप की सप्लाई देनी है, तीन टाइप की सप्लाई देनी है, इसीलिए हमने तीन कलर दोस्तों ले लिए हैं इसके लिए। तो आइए मैं इस ब्लू कलर से इसे 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो दूंगा। तो आइए मैं इसे 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आइए देखिए यहाँ पे जो ये पहला नंबर पिन है 3.3 वोल्ट, आप यहाँ पे देखिए बोर्ड में डिटेल्स भी दिख रहा है यहाँ पे कि पहला नंबर 3.3 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखिए पहला नंबर 3.3 वोल्ट है, दूसरा नंबर ग्राउंड है, तीसरा नंबर 15 वोल्ट है, चौथा नंबर 20 वोल्ट है, जिसे हमने 15 वोल्ट और 20 वोल्ट को शॉर्ट कर लिया है पिन दोस्तों। यहाँ से नीचे से देखिए यहाँ से हमने शॉर्ट कर लिया है दोनों पिन को, एक कर लिया है। उसके बाद देखिए उसके बाद ग्राउंड है दोस्तों, ये देखिए उसके बाद ग्राउंड है। तो आइए हम इसके पहले नंबर वाले पिन पे, इस पहले नंबर वाले पिन पे इस ब्लू तार को सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ब्लू तार को इस पर सोल्ड कर लिया है दोस्तों। और ये जो हमने शॉर्टिंग किया है 15 वोल्ट और 12 वोल्ट को, तो उसके ऊपर हम ग्रीन वायर सोल्ड कर लेंगे दोस्तों। आप कौन सा भी तार यूज कर सकते हैं दोस्तों, मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बैटरी में कनेक्शन करते समय ये दिक्कत ना हो कि मैंने कनेक्शन कहीं और कर दिया है दोस्तों। और ये जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा करके ब्लैक वायर ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ब्लैक वायर ही चॉइस किया कि ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो ये जो पिन है ग्राउंडिंग की पिन है, तो इस ग्राउंडिंग वाले पिन पे मैं इस ब्लैक वायर को सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये डीटीएच अभी सोल्ड, मतलब ये कार्ड सोल्ड हो चुका है यहाँ पे। तो अभी इसे हम बैटरी से कनेक्शन देंगे। बैटरी से कनेक्शन देने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले इसे मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ ताकि कहीं शॉर्ट ना हो जाए बॉडी से। तो इसे मैं थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रू लगा दिया है ताकि ये बॉडी से शॉर्ट नहीं होगा। और आइए, मैंने जैसे बताया था कि ये जो ब्लू वायर है मैंने 3.3 वोल्ट के लिए यूज किया है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ से स्विचिंग भी कराना है। तो ये जो ब्लैक वायर है ग्राउंडिंग का, वो हम लेके जाएंगे जो डीटीएच का जो ऑन ऑफ स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच पे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ग्राउंडिंग का वायर है, ग्राउंडिंग का वायर, तो इस ग्राउंडिंग वाले वायर तार को हम ले जाएंगे ऑन ऑफ स्विच पे। तो ये देखिए ऑन ऑफ स्विच पे हम इसे सोल्ड कर लेते हैं। एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे यहाँ पे हम सोल्ड कर लेते हैं। इस ग्राउंडिंग वाले तार को हम ऑन ऑफ स्विच पे सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो उसकी दूसरी पिन है ऑन ऑफ की, वहाँ पे दूसरा तार ग्राउंडिंग का सोल्ड कर लेते हैं जो बैटरी के लिए जाएगा, ताकि हम इसे यहाँ से स्विचिंग कर सके दोस्तों, मतलब बंद चालू कर सके इस सेटअप बॉक्स को। तो ये देखिए मैंने इसे कर लिया है यहाँ पे, और इस तार को मैं थोड़ा सा कटिंग करके छोटा कर लेता हूँ ताकि बैटरी में आसानी से। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि मैं ग्राउंडिंग का जो कार्ड से जो ग्राउंडिंग का वायर आया था, इसे मैंने स्विच के एक सिरे पे जोड़ लिया है और दूसरे सिरे से एक वायर लगा के मैं बैटरी के ग्राउंडिंग पे जोड़ लूँगा। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि ये सिरा माइनस है और ये सिरा प्लस है, तो आइए मैं माइनस सिरे पे इस ब्लैक वायर को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ।
ठीक है दोस्तों। तो मैं देखिए यहाँ पे ब्लैक वायर को माइनस सिरे पे मैंने जोड़ लिया है। अभी बच गया दो वायर और है दोस्तों, जो ये जो 3.3 वोल्ट है ब्लू तार में, जो इस ब्लू वायर को हमने 3.3 वोल्ट से जोड़ा है कार्ड में, डीटीएच के कार्ड में जो 3.3 वोल्ट से जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 3.6 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने इसे एक ग्राउंड दे दिया, और ग्राउंड देने के बाद मीटर से चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3.6 वोल्ट मिलेगा। तो मैं इसे 3.6 वोल्ट भी दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ से 3.36 वोल्ट पे इसे मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। और आप देख रहे हैं जो ग्रीन तार बच गया है, इसे मैं बताता हूँ, इसे 12 वोल्ट पे जोड़ लेंगे दोस्तों। तो ये बैटरी की जो तीसरी जो प्लस पॉइंट निकल रहा है एंडिंग वाला तीसरी बैटरी पे, तो दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। तो मैं इसे 12 वोल्ट पे जोड़ लेता हूँ। तो जैसे मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दोस्तों दिखा देता हूँ, आपको मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ बैटरी के ऊपर। आइए तो ये देखिए, यहाँ पे मीटर पे भी देखना है। तो ये देखिए 20 वोल्ट पे मैं रेंज पे रख रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो ग्राउंडिंग है दोस्तों, ये ग्राउंडिंग है, मैं यहाँ पे ग्राउंडिंग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, देखिए 3.5 वोल्ट वोल्टेज आ चुका है दोस्तों। और इस बैटरी पे चेक करेंगे तो 10.8 वोल्ट, मतलब बैटरी अभी चार्ज नहीं है दोस्तों। तो चार्ज होगी तो ये 11 वोल्ट के आसपास में, 12 वोल्ट के आसपास में जा सकता है वोल्टेज दोस्तों। तो ठीक है, ये अभी ठीक है, अभी देखते हैं हम सेटअप बॉक्स चालू होता है या नहीं। तो जैसे कि मैं इस बैटरी को यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, इस तरह से रख देने के बाद मैं इसे सेटअप बॉक्स को ऑन अप करके देख लेता हूँ दोस्तों। एक मिनट रुकिए, जरा सा ये कार्ड यहाँ से हिल रहा है, मैं इसे अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। तो हम इस सैटेलाइट फाइंडर को मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से फिट कर लिया दोस्तों कार्ड को। और मैं हमने ऑन ऑफ करने के लिए इसके ऑन ऑफ बटन का इस्तेमाल किया था दोस्तों। तो मैं इसके देखिए यहाँ पे कहीं भी कुछ तार और नहीं लगा हुआ है, बैटरी से ये चल रहा है। मैं यहाँ पे बटन ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स ऑन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है एक नंबर चैनल पर। फिर ये देखिए, मैं सिग्नल चेक करने की बटन दबा रहा हूँ दोस्तों, कोई सिग्नल नहीं बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एंटीना से जो वायर आता है, हमें एंटीना से जो वायर आता है सेट करने के लिए, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, 71% सिग्नल आ चुका है। तो हमें इसे ये मदद मिली कि दोस्तों, अगर हमें कितना परसेंट सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे सेटअप बॉक्स में, हमें डीटीएच सेट करते समय वहाँ पे छत के ऊपर ही पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर डीटीएच सेट करते टाइम अगर लाइट कट जाती है, फिर भी आप उस डीटीएच को इस सेटअप बॉक्स की मदद से उस जगह पे सेट करके चले आएंगे, और कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि लाइट आने के बाद ये आपकी टीवी चालू हो जाएगी, मैंने सिग्नल सेट कर दिया है। तो इस सेटअप बॉक्स की मदद से आप उन कस्टमर के घर पर लाइट चले जाने के बाद भी आप इस सेटअप बॉक्स पर उस डीटीएस डिश को सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आइए, इसे मैं आपको टीवी पे चालू करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे आपको टीवी पे चालू करके दिखा देता हूँ, मैं पहले टीवी ऑन कर लेता हूँ। सो मैंने टीवी ऑन कर लिया है, टीवी ऑन हो रही है, मैं यहाँ पे वीडियो वायर लगा देता हूँ, ऑडियो वीडियो और वायर लगा देता हूँ। और यहाँ पे एंटीना भी थोड़ा सा ये हिल रहा है, मैं इसे थोड़ा कस लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑडियो वीडियो केबल लगा दिया है। और आइए ये डिश एंटीना का केबल लगा देते हैं, और इस सेटअप बॉक्स को हम
इस टीवी पे चालू करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया इस तरह से और इसे ऑन बटन दबाएंगे। सेटअप बॉक्स देखिए टीवी पे चालू हो रहा है। ये देखिए चैनल भी ठीक तरह से आ रहे हैं दोस्तों, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए मैं एक नंबर लगाता हूँ। देखिए दोस्तों चैनल आ रहे हैं। दोस्तों मैंने आवाज़ इसलिए बंद करके रखा है ताकि कॉपीराइट ना दिखाई दे, नहीं तो आवाज़ में कुछ कभी कभी दोस्तों कॉपीराइट दिखाई देता है। देखिए सब सारे चैनल ठीक तरह से चल रहे हैं। सिग्नल चेक कर लेते हैं दोस्तों, सिग्नल कितना आ रहा है। ये देखिए 65% तक सिग्नल आ रहा है दोस्तों, तो कोई समस्या नहीं है, डिश ठीक तरह से वर्क कर रहा है। जैसे कि ये देखिए मैं सिग्नल का वायर निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सिग्नल चला गया है और सिग्नल का वायर लगा देता हूँ। ये देखिए सिग्नल आ चुका है। तो इस बैटरी की मदद से हम इसे चला सकते हैं, एक सैटेलाइट फाइंडर बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए मैं इसे ये भी बता दूँ कि इस सेटअप बॉक्स को हम चार्ज कैसे करेंगे। जैसे अभी डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो इसे निकालना पड़ेगा बार बार और इसे चार्ज करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं है दोस्तों। तो आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे चार्ज कैसे करेंगे। दोस्तों चार्ज करने की दो विधि है इसको। एक तो अगर आपके पास इस टाइप की आप छोटी बैटरी लगाते हैं दोस्तों, तो आप इस जगह पे और यहाँ पे एक बैटरी, मतलब ऐसे करके तीन बैटरी यहाँ पे बिठा सकते हैं। और यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई, जो दोस्तों ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे जगह, इस जगह पावर सप्लाई आपकी लगा सकते हैं आप। और इस जगह पे जो जगह बच रही है यहाँ पे बैटरी भी बिठा सकते हैं, अगर छोटी बैटरी आप बिठाते हैं तो आपको करना क्या है, छोटी बैटरी अगर बिठाएंगे तो आपको यहाँ से इसे बैटरी को इस सिरे पे और इस ब्लैक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 12 वोल्ट दे देना दोस्तों। तो जो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे पावर सप्लाई में 12 वोल्ट आता है, तो यहाँ से माइनस और प्लस इसको दे देना है दोस्तों। बैटरी को यहाँ पे प्लस दे देना है और यहाँ पे माइनस दे देना है, और आप इसे बिठा के यहाँ से मेन वायर लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने बैटरी बड़ी लगाई है दोस्तों, ये बड़ी बैटरी है। इसके इस बड़ी बैटरी के होने के कारण मुझे यहाँ पे इस पावर सप्लाई को लगाने के लिए कहीं जगह नहीं बच रही है। तो मैं आइए ये 12 वोल्ट अडेप्टर का फीमेल कनेक्टर दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये फीमेल कनेक्टर है। जैसे ये देखिए ये 12 वोल्ट अडेप्टर है 12 वोल्ट का, तो इसके लिए ये फीमेल कनेक्टर है दोस्तों। जैसे कि ये मेल कनेक्टर है फीमेल, तो देखिए आप यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आने लगा दोस्तों। तो मैं इस फीमेल कनेक्टर को यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। तो जैसे देखिए मैं इस फीमेल कनेक्टर को यहाँ पे लगा दूंगा। तो आइए मैं पहले इसे कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस फीमेल कनेक्टर पे सोल्डरिंग कर लिया है, तो जैसे ये ब्लू तार है इसे मैंने प्लस माना है, और ये ग्रीन तार है इसे मैंने माइनस माना है। तो आइए मैं इस माइनस वाले को इस माइनस सिरे पे सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो माइनस को मैंने माइनस सिरे पे सोल्ड कर लिया है, और इस ब्लू तार 12 वोल्ट को इस तीसरे बैटरी के तीसरे सिरे पे 12 वोल्ट पे जहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है वहाँ पे दोस्तों इसे मैं सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसे भी 12 वोल्ट को भी सोल्ड कर लिया है, और इस बैटरी को अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से चिपका देंगे। प्रकार के आते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रकार का टेप आता है डबल साइड, और जो एक इस प्रकार का आता है। तो दोस्तों इसका गम जो है थोड़ा अच्छा है, मजबूत है, और इसमें थोड़ी सी ताकत कम होती है, बैटरी थोड़ी वजन है दोस्तों। तो मैं इस जगह पे इसका यूज करूँगा, इस टेप का यूज करूँगा ताकि मेरी बैटरी अच्छे से चिपक जाए और उसमें हिले नहीं। तो आइए मैं बारी बारी से इस बैटरी को चिपका लेता हूँ। जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, मैंने इस टाइप का इको करने का मतलब यही है कि इसकी अच्छी पकड़ है दोस्तों। बैटरी मेरी थोड़ी वजन सी है, मतलब थोड़ी सी बिग बैटरी है। अब छोटी बैटरी भी लगा देंगे दोस्तों, तो छोटी बैटरी भी सेम ऐसे ही इसी तरह से काम करेगी दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी बैकअप कम देगी। आप हो सकता है मतलब 2-4-5 डिश सेट कर लें तो आपको फिर से चार्ज करना पड़े। अभी फिलहाल मैं इस पर 10-12 डिश सेट कर लूँगा, उसके बाद मुझे ये चार्ज करना पड़ेगा, मतलब एक ज़्यादा समय मुझे बैकअप देगी। अब मैं इस बैटरी को यहाँ पे डबल साइड टेप की मदद से चिपका लिया हूँ दोस्तों। तो मैं इसे यहाँ पे फिट कर लेता हूँ, और इस कनेक्टर फीमेल कनेक्टर को यहाँ पे इस तरह से मैं लगा देता हूँ, और इस सेटअप बॉक्स को दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, मैं सेटअप बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से बंद कर लिया हूँ।
और देखिए अभी ये फिर भी टीवी पे अभी चल रहा है, आसानी से देखिए इस तरह से मैं इसे बंद कर देता हूँ। देखिए तो बंद हो गया है, इसे ऑन कर देता हूँ, देखिए ऑन हो रहा है। और यहाँ पे चैनल चेंज कीजिए, देखिए दोस्तों मैं रिमोट दूसरा आ गया था तो चैनल भी अच्छी तरह से चेंज कर रहा है, काम कर रहा है दोस्तों। और सिग्नल भी देखिए अच्छा सिग्नल मिल रहा है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप इस तरह से इसे चार्ज कर सकते हैं। और देखिए मैं इस एडेप्टर की मदद से इसे चार्ज करूँगा, तो एडेप्टर को मैं बोर्ड में लगा देता हूँ और यहाँ पे इसे चार्जिंग के लिए भी इसमें लगा देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार मैं इस सेटअप बॉक्स को चार्ज भी कर सकता हूँ। अभी ये मेरा सेटअप बॉक्स चार्ज भी हो रहा है दोस्तों। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों और सब्सक्राइब तो करना ना भूलना। इसी प्रकार के ट्रिक मैं इस चैनल पे बताते रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कुछ ना कुछ बनाऊँगा। तो चलिए जब तक के लिए धन्यवाद।